नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं ताबड़तोड़ 50 पर। बिहार के भागलपुर में गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई। आग में एक आदमी झुलस गया। भारी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बिहार के पश्चिमी चंपारण में खाना बनाते वक्त सिलेंडर लीक होने से आग लगी। आग में मासूम समेत दो लोग झुलस गए। इलाज के दौरान मासूम बच्चे की मौत हो गई। मनाली के रोहतांग मार्ग के पास तेल के टैंकर में आग लग गई, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। ड्राइवर और हेल्पर ने टैंकर से कूदकर जान बचाई। यूपी के पीलीभीत में कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार जलकर राख हो गई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। गुजरात के वलसाड में बाढ़ के पानी में फंसे चार लोग कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया। राजस्थान के टोंक में जमकर बरसे बादलों की वजह से लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। एक ट्रक और मोटरसाइकिल पानी में बह गई। गांव वालों ने मुसाफिरों की जान बचाई। राजस्थान के टोंक में सहोदरा नदी के तेज बहाव में बहा एक डंपर, चालक डंपर से कूद गया। वहीं दो लोग डंपर में फंस गए, जिन्हें गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। सहारनपुर में बारिश के बाद उफान पर नदियां। यमुना नदी के तेज बहाव में फंसे तीन डंपर, पानी में बही पिकअप वैन। गांगरोव नदी पर बना पुल भी हुआ क्षतिग्रस्त। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में बारिश का कहर। आसमान से बरसी आफत की वजह से जल भराव। रस्सी की मदद से सड़क पार करते दिखाई दिए लोग। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश ने कोहराम मचाया। अलीराजपुर में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। पानी में फंसी गाड़ी को निकालते दिखाई दिए लोग। मध्य प्रदेश के हरदा में बारिश से मचा हाहाकार। लगातार बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में एक मंदिर पानी में डूब गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में लगातार तेज बारिश से बुरा हाल है। ओडल नदी का पानी पुल के ऊपर आ गया, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बारिश के बाद जल भराव से हाल बेहाल है। नाले का पानी घरों में घुस गया। लोग बाल्टियों से पानी को बाहर फेंकते नजर आए। गुजरात के वलसाड में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात। सड़क पर आए सैलाब, घरों में घुसा बाढ़ का पानी। जल भराव से करीब 800 परिवार प्रभावित। गुजरात के अहमदाबाद में आसमानी आफत का कहर। लोगों के घरों में पानी घुसा। श्रीनंद नगर इलाके में कई फीट पानी भरा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बारिश ने बरपाया कहर। सड़कें जलमग्न हो गई, घर में पानी भर गया। उत्तराखंड के कोटद्वार में भारी बारिश के बाद नाले का पानी लोगों के घरों में घुस गया। लोग घरों से बाहर आ गए, पानी के कम होने का इंतजार कर रहे हैं। भोपाल में जल भराव के चलते सड़कें बनी तालाब। जेसीबी से दीवार तोड़कर पानी निकाला गया। अमरनाथ यात्रा आज से फिर शुरू हो गई है। पंचतरणी रूट से तीर्थयात्री कर सकेंगे पवित्र गुफा के दर्शन। शुक्रवार को बादल फटने के बाद यात्रा रोक दी गई थी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम बेस्ट कैंप में श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा गया। भजन कीर्तन में बिता रहे हैं समय। चेन्नई में एआईएडीएमके कार्यकर्ता आपस में भिड़े, दफ्तर में जमकर तोड़फोड़। पोस्टर बैनर को किया गया आंख के हवाले, झड़प में कार्यकर्ता घायल। यूपी के हरदोई में जश्न के दौरान एक आदमी खुलेआम बिना किसी डर के फायरिंग करता दिखाई दिया। फायरिंग का वीडियो भी आया सामने। बिहार के सासाराम में धान रोपाई के दौरान दो भाइयों में विवाद हो गया। दोनों ने खेतों में हथियार लहराए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के समस्तीपुर में देर रात बदमाशों ने गोलीबारी की। इलाके में डर का माहौल। यूपी के पीलीभीत में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की जमकर धुनाई की गई। स्थानीय लोगों ने पंथक बनाकर पिटाई की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक दफ्तर में चोरी के इरादे से घुसा चोर, पिंजरे में जा फंसा और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। यूपी के सहारनपुर से दिन दाड़े मोबाइल चोरी की घटना आई सामने। ज्वेलरी की दुकान में चोर ने मोबाइल चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। झारखंड के गिरिडीह में बच्चों की लड़ाई में दो पक्षों में पथराव। सुतली बम का इस्तेमाल किया गया। झड़प में दो लोग घायल, पुलिस के पहुंचते ही फरार। बिहार के औरंगाबाद में नक्सलियों की नापाक साजिश नाकाम हुई। सुरक्षा बलों ने विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया। 150 से ज्यादा आईईडी मिले। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक आदमी टावर पर चढ़ गया। सरकारी स्कूल में शिक्षक के नहीं आने से आहत हुआ। पुलिस ने समझाकर नीचे उतारा। यूपी के अलीगढ़ में दुकान से सामान चोरी करने के आरोप में पड़ोसियों से विवाद में दो लोगों की हत्या। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के प्रयागराज में बदमाशों ने एक गाड़ी पर कई राउंड फायरिंग की। एक शख्स की मौत, एक घायल। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी के शामली में मछली चोरी के आरोप में मासूम की पिटाई कर दी गई। आरोपी युवक ने डंडे से मासूम को बेरहमी से पीटा। पिटाई का वीडियो भी वायरल। यूपी के कानपुर में एक पोस्ट ऑफिस कर्मचारी को जान से मारने की कोशिश की गई। दबंग ने गन लेकर दौड़ाया। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी गिरफ्तार। बिहार के मधुबनी में नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। टायर फटने से बेकाबू हुई तेज रफ्तार कार ने 3 बाइक सवारों को रौंदा। हादसे में एक महिला समेत 4 लोगों की मौत।
मुजफ्फरनगर में कार ने मोटरसाइकिल सवार दो लोगों को टक्कर मार दी, एक शख्स की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। कर्नाटक के मैंगलुरु में तेज रफ्तार कार नाले में जा गिरी, कार सवार दो लोगों की तलाश जारी, हादसा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अमृतसर जिला अदालत में पेश किया गया, एक दिन के ट्रांजिट रिमांड पर होशियारपुर पुलिस को सौंपा गया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जांच को सीबीआई को सौंपने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, का याचिकाकर्ता किसी राजनीतिक दल से जुड़े इसीलिए मामले को कोई राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में अहम कड़ी गिरफ्तार, सतबीर पर जेल में साजिश के तहत किया गया हमला, जब वो सो रहा था तब पांच लोगों ने हमला किया, प्राथमिक जांच में इस बात का खुलासा। कन्हैयालाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी रियाज का करीबी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला गिरफ्तार, बबला पर छह लोगों की रेकी करने का आरोप, फंडिंग में भी मदद की। गौहर चिश्ती मामले की अब एनआईए ने शुरू की जांच, दरगाह थाने के कंट्रोल रूम से दरगाह शरीफ के तीन महीने के सीसीटीवी फुटेज आए सामने, उदयपुर हत्याकांड के अजमेर कनेक्शन की जांच करेगी। दिल्ली में बन रहे नए संसद भवन में पीएम मोदी ने विशाल अशोक स्तंभ का अनावरण किया, इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष भी मौजूद थे। गोवा कांग्रेस में भारी उठापटक, सीएम प्रमोद सावंत से मिले कांग्रेस के कुछ विधायक, लोगों के साथ दिगंबर कामत पर पार्टी को कमजोर करने का आरोप, सोनिया गांधी ने मुकुल वासनिक को भेजा गोवा। श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शनकारियों की भीड़, पीएम आवास को कम्युनिटी किचन में तब्दील किया गया। चीन के हेनान प्रांत में फ्रीज किए गए बैंक खातों के खिलाफ प्रदर्शन, सरकार विरोधी बैनर के साथ नजर आए प्रदर्शनकारी। कैलिफोर्निया के यसोमाइट नेशनल पार्क में भीषण आग लग गई, पेड़ों से उठी ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुबार, दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे। पाकिस्तान के कराची में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात, सड़क पर जलभराव, पानी में नहाते दिखे स्थानीय लोग। कराची में भारी बारिश से हाल हुआ बेहाल, अस्पताल में घुसा बारिश का पानी, मरीजों को परेशानी हो रही है। और यूक्रेन में ग्लेशियर पिघलने के बाद बर्फीला तूफान का वीडियो आया सामने, बर्फीला तूफान पहाड़ों से नीचे की तरफ आता हुआ नजर आया।